सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को एवं प्रेस करिए बेल आइकन को जैसे ही नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं रंजन कुमार। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E इनकम टैक्स डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, यानी आप जो लोन लिए हैं एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए लोन लिए हैं तो उसका जो इंटरेस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं उसको आप 80E में कैसे डिडक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा, वह हम लोग डिस्कशन करेंगे पांच स्टेप में। कौन उसके लिए एलिजिबल है, कौन सा एसएससी इंडिविजुअल HUF AOP BOI इसमें कौन एसएससी, कौन सा एसएससी आप एलिजिबल है ये डिडक्शन लेने के लिए, और किससे आप लोन लेना चाहिए, आप बैंक से लेना चाहिए या आपका फ्रेंड से लेना चाहिए, किससे लेने चाहिए आपको 80E में डिडक्शन मिलेगा, और ये जो लोन लिए हैं किस प्रपोज के लिए, किस में यूज करने के लिए लिए हैं, किस में यूज करेंगे तो उसको आपको 80E में डिडक्शन मिलेगा, उसको भी डिस्कशन करेंगे। उसके साथ डिस्कशन करेंगे डिडक्शन अमाउंट, कितना आपको डिडक्शन मिलेगा, कितना अमाउंट तक आपको डिडक्शन मिलेगा वो भी हम लोग देखेंगे, और देखेंगे उसके साथ पीरियड ऑफ डिडक्शन, यानी कितना साल तक आपको डिडक्शन मिलेगा 80E में। ये कौन सा साल के लिए, फॉर फिनेंशियल ईयर 19-20 यानी 2019 टू 2020 एंड असेसमेंट ईयर 2020 टू 2021 के लिए, ठीक है। अभी एक एक करके डिस्कशन करेंगे। अभी आपका स्क्रीन का ऊपर आप देख सकते हैं सेक्शन 80E क्या है ना, इंटरेस्ट ओनली, आप जो इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे हायर एजुकेशन के लिए लोन जो लिए हैं आप ओनली जो इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे वो इंटरेस्ट पोर्शन से भी एलिजिबल है आपको डिडक्शन मिलने के लिए। डिडक्शन मिलेगा वही इंटरेस्ट पोर्शन मिलेगा आपको डिडक्शन के लिए, ठीक है। इसमें बोला गया है कि ये जो डिडक्शन मिलेगा 80 में जो डिडक्शन मिलता है, आपको पता है डिडक्शन कैसे लिए ये होता है, यानी आपका ग्रॉस टोटल इनकम जो निकालते हैं 5 हेड से जो ग्रॉस टोटल इनकम निकाल दिए, टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, उससे आप क्या करते हैं डिडक्शन लेस करते हैं 80U से 80C से लेके 80U, तो उसमें 80E आ रहा है तो 80 में उससे लेस करेंगे, यानी जितना पोर्शन आप इंटरेस्ट पेमेंट किए हैं फॉर हायर एजुकेशन के लिए तो उतना अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको लेस करने के बाद ग्रॉस से आपको नेट टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा, उसके ऊपर आप टैक्स निकालेंगे। ये आपको क्या है ना, ये जो लोन जो है आपको 8 साल तक मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलेगा, यानी 8 ईयर तक मैक्सिमम आपको इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगा, यानी आप 8 ईयर और मान लीजिए आप 4 साल के लिए लिए हैं या 5 साल, मान लीजिए 5 साल के लिए आप लोन लिए हैं तो 5 साल में आपको इंटरेस्ट पेमेंट कर दिए तो आपको 5 साल में वो आपको 5 साल तक बेनिफिट मिलेगा, ना कि नेक्स्ट आप बोले हैं, आप सोचेंगे कि 8 साल तक तो इसका बेनिफिट मिलना था तो मैं 5 साल दे दिया मैं और बाकी 3 साल का भी मिलूंगा, नहीं। इसमें बोला गया है प्रोविजन है कि आपको 8 साल मैक्सिमम लिमिट जो है 8 ईयर्स और जो आप जब तक आप पेमेंट कर दिए इंटरेस्ट उसमें जो हुई चेवर जी आलियर जो आलियर होगा वही उतना तक आपको डिडक्शन मिलेगा, यानी आपको यहाँ पे 5 ईयर में आप पेमेंट कर दिए तो 5 साल तक आपको मिलेगा ना कि 8 ईयर तक मिलेगा, ठीक है। इसको और एक बार अच्छे से डिस्कशन करेंगे और भी अच्छे से। इसमें कौन सा देखिए टैक्स बेनिफिट किस में मिलेगा ना, आपको फॉरेन स्टडी हो या इंडियन में स्टडी हो तो आप सबको लिए आपको इसमें डिडक्शन मिलेगा। इसमें कोई नहीं है कि सिर्फ फॉरेन इनकम, आप फॉरेन में पढ़ेगा आपका बेटा या आप खुद पढ़े हैं या आपका स्पाउस पढ़ रहे हैं, यानी आप हस्बैंड है तो आपका वाइफ पढ़ाई कर रहे हैं तो फॉरेन में नहीं, इंडिया में होगा भी तो आपको इसमें भी बेनिफिट मिलेगा, दोनों जगह में बेनिफिट मिलेगा, ना कि सिर्फ आपका पैसा का बचत है उसमें से और क्या फाइनेंशियल का तो इसमें भी है, उसके साथ टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। इसमें टैक्स में देखिए EMI थ्रू हमें पेमेंट करते हैं, यानी मान लीजिए 8 साल तक आप लिए हैं 8 इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करेंगे तो उस इंस्टॉलमेंट में क्या रहता है ना, EMI में क्या रहता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट रहता है उसके साथ आपको इंटरेस्ट पोर्शन भी रहता है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा सेग्रीगेट करना पड़ेगा, बैंक से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपका EMI में इतना आपका प्रिंसिपल अमाउंट है इतना आपको इंटरेस्ट अमाउंट है, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट आपको डिडक्शन मिलेगा, जितना इंटरेस्ट अमाउंट पेमेंट किए उसमें आपको 80 में उतना अमाउंट डिडक्शन मिलेगा, ना कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। अभी देखेंगे उसका कंडीशन देखेंगे, एसेंशियल कंडीशन फॉर क्लेम दिस डिडक्शन के लिए, अब ये जो डिडक्शन क्लेम करेंगे तो उसमें लिए क्या क्या कंडीशन एसेंशियल है जरूरत है। अब पहला कंडीशन देखेंगे, ये सिर्फ आपको इंडिविजुअल के लिए मिलेगा, बाकी कोई एसएससी के लिए नहीं मिलेगा, ओनली सिर्फ इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है डिडक्शन, इट इज़ नॉट अवेलेबल टू HUF और एनी अदर
काइंड ऑफ टैक्स वेयर सिर्फ इंडिविजुअल के लिए मिलेगा। और इंडिविजुअल किसके लिए लोन लिया होगा, दिस लोन शुड बी टेकन किसके लिए लिया होगा, हायर एजुकेशन ऑफ सेल्फ खुद के लिए या स्पाउस के लिए या चिल्ड्रेन के लिए। यहाँ पे मेंशन नहीं है कि डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, यहाँ पे कोई बोला गया नहीं डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, यहाँ पे बोला गया नहीं, यानी जिसके लिए भी ले सकते हैं उसमें पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया गया है। तो इसमें क्या है ना, चिल्ड्रेन आपको बोल दिया गया है यहाँ पे, चिल्ड्रेन स्पाउस और सेल्फ खुद के लिए भी ले सकते हैं, सेल्फ खुद के लिए भी ले सकता है। और इसमें क्या गया है ना, आपका जो मान लीजिए किसी लीगल गार्डियन है तो उसके लिए आप उस स्टूडेंट के लिए आप ले रहे हैं लोन, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा 80E में। लीगल गार्डियन में भी आप लीगल गार्डियन है यानी आशीष जो इंडिविजुअल है वो लीगल गार्डियन है, तो ये लोग भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80E में। ठीक है, इसमें किसको मिलेगा 80E में, पेरेंट्स को मिलेगा। इसमें ये कंडीशन सब सेटिस्फाई करना पड़ेगा, हायर स्टडी के लिए लेना चाहिए। ठीक है, सेकंड में देखेंगे वेयर कैन दिस लोन बी टेकन। लोन में बोल दिया हूँ पहले से, आपको ये लेना पड़ेगा किससे, यानी द लोन शुड बी टेकन फ्रॉम एनी बैंक, कोई भी बैंक से हो या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, और एनी अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो हो उससे आप लोन टेकन कर सकते हैं। लेकिन आपका फ्रेंड से या आपका रिलेटिव से ले रहे हैं लोन, तो इसमें 80E में कवर नहीं होगा। इसमें 80E में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो आप फ्रेंड से लिए हैं या आपका रिलेटिव से लिए हैं उसको इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो आप इसमें आपका 80E में क्लेम नहीं कर पाएंगे। आप इस जगह में लेना पड़ेगा, बैंक से लेना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना पड़ेगा, या एनी अप्रूवल चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से लेने से आपको 80E में आपको उसका लोन का अमाउंट आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन आपका फ्रेंड आपका रिलेटिव से लेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रपोज ऑफ द लोन, ये जो लोन ले रहे हैं उसका यूटिलाइज कैसे करेंगे, किसका ऊपर यूटिलाइज करेंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें बोल दिया गया हो आप हायर स्टडी के लिए ले रहे हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, जो लोन अमाउंट जो है आपको उतना आपको बेनिफिट मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। हायर स्टडी यानी आपका जो हायर स्टडी माने सीनियर सेकेंडरी जो एजुकेशन जो है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद, पास होने के बाद, आप जो भी कोई आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो इंडिया में हो या फॉरेन में हो, आउटसाइड ऑफ इंडिया हो, तो आप जहाँ पे भी कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोन जो लिए हैं उस प्रपोज में आप जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं बैंक को, आपको उसमें डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, आप इसमें बोला गया इट इंक्लूड बोथ वोकेशनल एज वेल एज रेगुलर, यानी आप वोकेशनल के लिए ले रहे हैं या आप रेगुलर कोर्स के लिए भी ले रहे हैं, तो दोनों के लिए आपको मिलेगा ये बेनिफिट 80E में। ठीक है, डिडक्शन में देखिए सिर्फ EMI जो आप पेमेंट करें उसी फिनेंशियल ईयर में, फॉर मान लीजिए मैं ये जो बोल रहा हूँ ये डिटेल्स बोल रहा हूँ फॉर फिनेंशियल ईयर 19-20 में EMI जितना आप पेमेंट किए उसमें सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन आपको डिडक्शन मिलेगा। यानी इसमें लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम इतना 1 लाख 10 लाख तक मैक्सिमम नहीं, जितना आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उस फिनेंशियल ईयर में, तो इंटरेस्ट पोर्शन से भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल पोर्शन आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इससे आपको क्या करना पड़ेगा ना, बैंक से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि क्या सर्टिफिकेट, ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, और मेंशन उस सर्टिफिकेट में होगा प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, आपका इंटरेस्ट अमाउंट इतना है, तो इंटरेस्ट पोर्शन जितना है आपको सिर्फ उतना ही डिडक्शन मिलेगा, ना कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा। कितना मिलेगा ना, उसी फिनेंशियल में जितना पेमेंट किए हैं। ठीक है, पीरियड जो मैं पहले से बोल दिया हूँ 8 साल तक मिलेगा। मान लीजिए आप 8 साल तक मैक्सिमम आपको मिलेगा, लेकिन मान लीजिए आप लोन लिए 5 साल तक, तो 5 साल में आपको इंटरेस्ट पेमेंट करते रहे, EMI पूरा पेमेंट हो जा रहा है, तो आपको 5 साल तक वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ना कि 8 साल तक। यानी मैं बोलने का चाहता हूँ कि 8 ईयर्स और आपका जो लोन आप जब तक पेमेंट कर दिए, लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिए, कुछ एवर जो आलियर होगा उतना तक आप उतना साल तक आपको डिडक्शन मिलेगा 80E में। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका स्क्रीन का, बट दिस मीन्स इफ द कंप्लीट रीपेमेंट ऑफ लोन इज डन इन 5 ईयर्स ओनली देन द टैक्स डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर 5 ईयर एंड नॉट 8 ईयर्स। ठीक है, आप मान लो 8 साल या मैक्सिमम आपको 8 साल, यानी आप 10 साल तक लोन पेमेंट करें या आप लिए लोन 10 साल तक के लिए, लेकिन आपको 8 साल तक बेनिफिट मिलेगा, ना कि और 2 साल और एक्स्ट्रा जो 10 साल तक नहीं मिलेगा, सिर्फ 8 साल तक मिलेगा। लेकिन आप मान लीजिए 5 साल तक आप लोन लिए हैं, तो 5 साल का आपको तक बेनिफिट मिलेगा, ना कि 8 साल। आप बोलेंगे कि 8 ईयर तो मैक्सिमम है, तो 8 ईयर तक नहीं मिलेगा आपको, उसमें प्रोविजन है 8 ईयर्स और आप लोन जो पेमेंट कर दिए हैं व्हिच एवर इज अर्लियर, जो अर्लियर होगा जब तक उस साल तक आपको उतना पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कितना पेमेंट करना पड़ेगा, कितना आपको डिडक्शन मिलेगा ना, उसी फिनेंशियल ईयर में
जितना आप पेमेंट किए इंटरेस्ट, ना कि प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट, तो उतना अमाउंट आपको डिडक्शन मिलेगा 80E में। वो फिर लोन भी लेना चाहिए किससे, आपको मैं बोल दिया हूँ, वो भी आपको अच्छे से याद रखें, एनी बैंक हो या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अप्रूवल चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। लेकिन आप फ्रेंड या आपका और रिलेटिव से लिए होंगे तो उसमें जो इंटरेस्ट अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं उसमें आपको डिडक्शन 80E में मिलेगा नहीं। आपको पता है डिडक्शन जो मिलता है लेस होता है क्या, ग्रॉस टोटल यानी 5 हेड जो इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी हो, सैलरी इनकम हो, बिजनेस प्रोफेशनल इनकम हो, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो, कैपिटल गेन हो, ये जो 5 हेड का टोटल जो इनकम आता है उससे आप लेस करते हैं, डिडक्शन लेस करके नेट इनकम आता है उसी का ऊपर आप टैक्स निकालते हैं स्लैब का हिसाब से। और इसमें मिलेगा सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन को मिलेगा, एचएफ अदर पर्सन को नहीं, अदर एसेट्स को नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। किसके लिए लोन लिया होगा, सेल्फ खुद के लिए और स्पाउस के लिए और चिल्ड्रेन के लिए। ठीक है, आई होप आप लोग इस वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।